बॉइल करके मैश कर लिए। हरी मिर्च हरा धनिया चॉप कर लिया, ये चार हरी मिर्च है, थोड़ा सा धनिया है और आटे को लगा के हमने रख दिया 20 मिनट के लिए। आलू में मैं सारे मसाले डाल लेंगे और हरी मिर्च हरा धनिया वो भी ऐड कर लेंगे जो हमने चॉप कर रखा है। हम इसे मिला लेंगे, चूर बकरा सब डाल देंगे, सब मैश कर लेंगे। इस तरीके से बनी तैयार हो गई है, हम इसे काट लेंगे। बस मुझे मेथी में डालना भूल गई थी, उसी समय डाल देना है एक चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। अभी कढ़ाई में हम तेल गर्म करेंगे, आलू को थोड़ा सा कड़कड़ा के हिल जीरे का हलवाई जैसा स्वाद आएगा और वो खराब नहीं होते हैं। उसे हिल के गर्म हो गया है, हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़े से घी नहीं गर्म हो गया है, कुछ जीरा पक गया है उसमें आलू डालेंगे, मसाले मिला कर रखे थे और इसे अच्छे से मिला देंगे। हिल जीरे का कड़का लगाने से ये भी होता है कि पानी में जाता है गैस नहीं बनती है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो अभी बहुत ही हैवी होती है रोजाना के खाने से, और दूध वगैरह डालने से जिसका स्वाद तो बढ़ता ही है साथ को हैवी मिल जाती है बनाने में। ये देखिए वो क्या करता है, अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे, उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा, फिर उसके बाद इसे समोसों के अंदर भरेंगे। जी हमने आटा को रखा था 20 मिनट के लिए, 20 मिनट बाद ये हम थोड़े बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे, वो भी थोड़े बड़े ज़्यादा रोटी सबसे बड़े। ये हमारा आटा है, मैदा भी नहीं है, कुछ नुकसान करें इसलिए हमने अजवाइन और मोहन डाल के नमक मिक्स कर दिया था, क्योंकि हमने बनाया नुकसान भी नहीं करता और इसी इस तरीके का सबसे बड़ा सा दिल होगा। ये कटोरी में हमने आटा और पानी का घोल तैयार किया है, जिससे कि हम जब उसे एक घोल बना के किसी यहाँ पे किनारे पे लगाएंगे थोड़ा सा, जिससे कि अच्छे से पक जाए घोल करके। इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा आलू भरेंगे जो हमने बनाए थे और यहाँ पे ये पानी लगाएंगे इसको जो करके हमारे समोसे की शेप पे गया। इस तरीके से हम सब तैयार कर लेंगे। तेल गर्म हो गया, इसे हमने मीडियम गैस पे हमने और हमने देंगे मीडियम से, मीडियम से थोड़ा कम, इससे कि कच्चे ना रहें।